सो है गाइस, की हाल चाल सब तो फुल सारे वधिया होंगे। तो सेल्फी ऑफिशियल ट्रेलर अक्षय कुमार, इमरान हाशमी, नुसरत एंड डायना, राज मेहता साहब दे आई थिंक डायरेक्टर फिल्म है। म्यूजिक म्यूजिक इन्हें किया है, म्यूजिक बाय अजीम। लेट्स स्टार्ट। विजय सर कोई नॉर्मल स्टार नहीं है, हम सबके दिलों के सुपरस्टार है वो। जंगल मेरा मुझे कहते हैं शेर। मुझे साल में 4 पिक्चरें करनी होती हैं, 2 OTT की भी और 28 एड्स भी हैं सर, 17 शोज और एक आधा रियलिटी शो भी करना होता है। इनके लाखों करोड़ों फैंस की तरह मेरे और मेरे बेटे का भी सपना है अपने सुपरस्टार के साथ एक सेल्फी लेने का। क्या फालतूगिरी चल रही है? इंटीगर विजय सर के डांस नंबर के बारे में कुछ कहा ना तो अपना डिवोर्स हो जाएगा। कुछ 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 नवा लग रहा है। मेरे दिल में बसी तू तू तू, मैं देख तुझे यूं। सेल्फी सेल्फी सो सेल्फी। दुनिया जानती है कि अगर एक्टिंग के अलावा मेरा कोई दूसरा प्यार है तो वो है ड्राइविंग। हीरे होते हैं विजय सर के पास लाइसेंस नहीं, 2 दिन में लाइसेंस पकड़वा दूंगा। प्लीज मैडम, प्लीज एक सेल्फी दिलवा दीजिए प्लीज। ऐसे फैंस की वजह से हम जिंदा हैं, वरना हम तो कब के। अपने फैंस से मैं बहुत प्यार करता हूँ, बस बुरा तब लगता है जब कुछ फैंस मेरे प्यार का फायदा उठाते हैं। सबके सामने अपनी यही चोर दिखाना चाहते थे ना तुम, कि तुम्हारे कहने पर एक फिल्म स्टार सुबह 7 बजे आ गया RTO। तुम्हें क्या लगता है तुम लाइसेंस नहीं दोगे तो क्या लाइसेंस नहीं मिलेगा मुझे? बेटे एक बात सीख लो, अपने बाप जैसा ना अपॉर्चुनिस्टिक कभी मत बनना। बट एक ट्विस्ट क्यों आया, एकदम 7 बजे क्यों बुलाया, ये सारा कुछ फिल्म च पता लगेगा ना अपन। विजय सर सबके लिए हीरो होंगे पर मेरे हीरो आप हो। विजय सर की लड़ाई उनके सबसे बड़े फैंस है, अब तेरा हीरो जीतेगा मेरे हीरो से। हम दोनों अलग हम दोनों है जुदा जुदा। जिस पब्लिक ने आसमान पे चढ़ा है वही पब्लिक उस सितारे को जमीन पे लेके आएगी। अगर उन्हें लाइसेंस चाहिए तो एक आम आदमी की तरह यहाँ आकर सारे टेस्ट देने पड़ेंगे। फैन था ये सर का, अब सेलिब्रिटी बना घूम रहा है। वॉल्यूम बढ़ाइए। फैन था ये सर का, सेलिब्रिटी बना घूम रहा है। टीवी का वॉल्यूम बढ़ाइए। अब भाई लर्नर्स टेस्ट, रोड टेस्ट, चाहे तो ब्लड टेस्ट, स्क्रीन टेस्ट, यूरिन टेस्ट सब देके जाऊंगा और ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाऊंगा ओम प्रकाश अग्रवाल जी के हाथों। तो अग्रवाल साहब कैसा लग रहा है एक सुपरस्टार से टक्कर लेकर? मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, मैं अनाड़ी तू खिलाड़ी, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, मैं अनाड़ी तू खिलाड़ी। आपको आइडिया नहीं है जब एक सीधे साधे आदमी सटकती है तो किस हद तक जा सकता है। आज शुरू से शुरुआत करते हैं। नाइस। बाकी तो ठीक है, बस मैंने इन्ना जरूर दस दो पहले ही, रीमेक तो नहीं आना, कमेंट च पहले दस दिया करो ठीक है। बाकी उस तो पहला आप थोड़ा दस दिए कि धर्मा प्रोडक्शन से आया, ठीक है कम, अपीलिंग फिल्म है, कुड बी अ नाइस फिल्म, कुड बी अ लिटरली अ फ्लॉप फिल्म, ठीक है अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस। मैं ये कहूँगा कि आई वुड लाइक टू वॉच दिस फिल्म ऑन OTT प्लेटफॉर्म ओनली, मतलब मैनू इदा का कुछ देख के इदा का लग्या नहीं, क्योंकि थोड़ा जहा मैंने इदा लगे कि ओवर एग्जैजुएटड है कि इन्ना ज़्यादा कौन पागल हो जाता है, ठीक है इन्ना ज़्यादा की सकता है। चल मैं होऊंगा नहीं किसी लिए इस करके गल, बट देख सकते हैं की बनता अगर, कुछ कह नहीं सकते। हो सकता बहुत जगह तगड़ी हिट हो जाए फिल्म, हो सकता बिल्कुल ही फ्लॉप हो जाए। मैनू OTT प्लेटफॉर्म लिए फिल्म बहुत वधिया लग रही है कि लोग सारे ज़्यादातर उत्थे देखेंगे एंड कुड बी OTT हिट, बट थिएटर मैं पता नहीं क्यों इदा लग रहा है कि शायद इन्ना देख ना जा लोग। कलर्स फिल्म एक्शन थ्रिलर सस्पेंस सारा कुछ है क्या फिल्म, बट फिर भी पता नहीं मेरे टच के सामने नहीं हैगी फिल्म, हो सकता थोड़ा बहुत ज़्यादा पसंद आए तुम देख जाओ जरूर, बाकी देख जरूर जानी चाहिए फिल्म, थिएटर से ही फिल्म की असली कमाई का पता लगता है, तो जरूर जायो ठीक है। सत श्री अकाल।